नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश जायसवाल स्वागत करता हूं आपका जटेक बीट इस चैनल पर। आज से ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है फ्री में आप सबको। अगर आपका कोई भी दोस्त कंप्यूटर सीखना चाहता है तो इस चैनल पर आपको ट्रिपल सी का पूरा स्टार्टिंग से लेकर इन तक पूरा ट्यूटोरियल इस चैनल पर अपलोड किया जाने वाला है। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। काफ़ी लोग कंप्यूटर सीखना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, तो इस चैनल पर आप सबको फ्री में सिखाया जाएगा ट्रिपल सी का पूरा कोर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो भी आपके संपर्क में दोस्त हैं उसे वीडियो शेयर करिए, जो भी सीखना चाहते हैं फ्री में बताया जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो हम आशा करेंगे दोस्तों अपने दोस्त तक आप शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी सिंपल वीडियो है, आसान वीडियो, छोटा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सबको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, तो आप देख लीजिए वो किस तरीके से करना है। तो जो आपका गूगल होता है, सेटिंग में होता है, गूगल अकाउंट होता है, या आप अपना जीमेल ऑन कर लीजिए, जीमेल पर जाइए तो आपको वहाँ दिखाई देगा। जीमेल जब ओपन करते हैं तो जो जीमेल का पासवर्ड आपको चेंज करना है उसमें हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा पासवर्ड। देखिए पासवर्ड वाले पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये आगे आपका जो ये पुराना पासवर्ड होता है तो पुराना पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो पुराना पासवर्ड आपको अगर यदि याद है तो आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपको नहीं याद है तो नीचे है फॉरगेट पासवर्ड, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम जब पुराना पासवर्ड इंटर करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये न्यू पासवर्ड पूछता है आपको पासवर्ड कौन सा चेंज करना है। जो आपको पासवर्ड चेंज करना है वो पासवर्ड यहाँ से आप इंटर कर दीजिए। इंटर कर देने के बाद यहाँ लिखा है चेंज पासवर्ड, आपका आसानी से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ईमेल का पासवर्ड चेंज किया जाता है। तो आशा है दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर